घोटाला, खोले जादू का ताला। खुल गया ताला। गुस्सा ना करें उस्ताद। वो हमारे उस्ताद हैं। उस्ताद हो तो उस्ताद ही दिखाओ। चलो आओ जरा स्टेज पे आओ, देखते हैं तीन तिगाड़ा शतरंज में कौन बड़ा उस्ताद है। शतरंज का ऐसा खेल जिसमें सामने वाले को तीन चाल में हराने वाला जीतेगा और सामने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। देनी होगी? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अक्षय और मात उस्ताद, अब दे दो अपनी प्यारी चीज मेरे हाथ। अलविदा मेरे सबसे प्यारे तावीज, हमारा साथ बस इतना ही था। ओ कालिया, इतनी आसानी से हार गए। अब मैं जाऊंगी। घोटाला घोटाला घोटाला, शहर मात। ये चीटिंग है, मुझे तो घोड़ा चलाना था। पहले तुम जेब खाली करो और फिर उसी घोड़े पर बैठकर जाओ घर। ये मेरे दोस्तों की तस्वीर है, मेरे पास इससे प्यारा कुछ नहीं। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम तो शतरंज में माहिर हो ना चुटकी। मैं चाहते हुए भी चाल नहीं चल पाई। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ढोलकपुर वासियों, तीन तिगाड़ा खेल में आपके पुराने राजा इंद्र वर्मा की हार होने के कारण आपके नए महाराज हैं ताला घोटाला, और आज से ढोलकपुर की हर चीज पर उनका हक होगा। महाराज ताला घोटाला की जय। ताला घोटाला और महाराज इंद्र वर्मा कहाँ हैं? अब वो महाराज ताला घोटाला के बंदी बन चुके हैं। क्या इस ढोलकपुर में कोई भी नहीं जो मुझे मात दे सके? ढोलकपुर का पता नहीं, पर हम जरूर मात दे सकते हैं। घोटाला, आओ एक बाजी खेलें। इस खेल के नियम हैं। पता है पता है, आपका खेल हमारे देश में बहुत मशहूर है महाराज। क्यों? तीन तिगाड़ा खेल बिगाड़ा। शह और मात ताला। पधारिए महाराज। शुक्रिया भीम, तुम्हारी बहादुरी और शक्ति के कारनामे किसी जादू से कम नहीं। असली बहादुरी तो मेरे दोस्तों ने दिखाई। क्यों दोस्तों? चमकाता हूँ।
का तो पता नहीं, पर तुम तीनों जरूर चमक रहे हो। वाह बच्चों, ये फूल तो बड़े प्यारे हैं। चिंता मत कीजिए मौसी, हम चुटकी को वापस ले आएंगे। बस तुम्हें ये लड्डू के टुकड़े दिख जाएं, फिर तुम मुझे ढूंढ पाओगे। खुशबू, ये देखो जग्गू, लड्डू के टुकड़े रास्ता दिखा रहे हैं। जरूर ये चुटकी ने ही गिराए होंगे। चलो जल्दी। काश कोई मेरे लिए ऐसे मीठे केले तोड़ता। अब जल्दी से इस गुफा का दरवाजा खुलवाओ, वरना मैं इस गुफा को उड़ा दूंगा और फिर इस नन्ही सी हीरू का क्या होगा है? मंगल सिंह ने कहा कि अगर मैं दरवाजा नहीं खुलवाऊंगी तो वो गुफा को उड़ा देगा। अरे वाह, इतने सारे हीरे, इसके बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर डाकू बन जाऊंगा। डाकू मंगल सिंह, तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया, अब तुम्हारा अमंगल होगा। तैयार हो जाओ। सुनो गुफा के पत्थर, की है इसने खटपट, भगा दो डाकू को यहाँ से झटपट। कैसे हो भीम, जरा हाथ तो मिलाओ। क्यों लग रही हो? मेरी गुफा के बारे में इस डाकू को पता लग गया है, तो मुझे अपनी गुफा के लिए कोई नई जगह ढूंढनी होगी। हीरो, नई गुफा में तुम्हें हीरो की जगह केले, मीठे केले इकट्ठा करना, फिर कोई लुटेरा तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। पर जग्गू रोज केले खाने जरूर आएगा, है ना? मेरे कड़े कहाँ गए? यही मेज पर तो रखे थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हारा भी कुछ खोया है चुटकी? हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी चीजें भी गायब है। भी। फिर से ये पंख और निशान, और ये निशान जंगल की ओर जा रहे हैं। सॉरी यार।
अरे ये कहाँ से टपक पड़ा? अरे ये तो मेरी चादर है। वहाँ क्या हो रहा है? मेरा जूता, वो देखो उस पंछी के पैर में, वही है चोर। दोस्तों तुम यहीं रुको, मैं जाकर हिम पक्षी को छुड़ा लाता हूँ। भीम, भीम। कर रहा है चुटकी, तुम सबके साथ रहो, मैं देख कर आता हूँ। कितना मासूम है ये। दादी, दादी, बचाओ! अरे ये क्यों भाग गया? और ये हमें दैत्य क्यों बोल रहा था? उसका पीछा करके देखते हैं। जश्न होने को है। फिर तो
हम एकदम सही वक्त पर आए हैं। छोड़ दो इन्हें। इतना स्वादिष्ट पकवान तो मैंने आज तक नहीं चखा। माफ करना, हमें लगा आप भी दैत्य की सेना से हो। कैसी दैत्य सेना? ये आलसी दैत्य पूरा साल आराम करते हैं और हम पूरा साल मेहनत करके तरबूज उगाते हैं। ये दैत्य त्योहार के वक्त आकर सारी की सारी फसल लूट कर ले जाते हैं। वैसे जो कोई भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है उसे वो बंदी बना लेते हैं। पिछले साल हमारे दो साथियों को ऐसे ही बंदी बना लिया, इसीलिए हमें हर साल भुखमरी का सामना करना पड़ता है। फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, इस बार आपकी और फसल की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। हाँ, हमारा भीम उन्हें नानी याद दिला देगा। मैं ढोलकपुर का रहने वाला भीम। ये हमारा आपस का मामला है। जगमगपुर पर हमला करना हमारी परंपरा रही है, तो तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे इस उपकार को कैसे चुकाएंगे। इसमें उपकार कैसा, ये तो हमारा फर्ज था। दोस्तों, आप जब चाहो हमारे यहाँ आ सकते हो। सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि तुम जगमगपुर की दुनिया की सैर कराओगे। और स्वादिष्ट फल पकवानों की दावत खिलाओगे। उस्ताद, आपकी दावत के चक्कर में कहीं उनका उपवास ना हो जाए। ढोलकपुर का रास्ता पता है? चलो चलो, ये हमें सही से ढोलकपुर तक पहुंचा देंगे। अरे, ये लोग हमें कहाँ ले आए? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। आज पूर्णिमा की रात वो उस लड़के की बलि देने वाले हैं। इनका मानना है कि आज की रात किसी हट्टे कट्टे खुशहाल इंसान की बलि चढ़ाने से इनके समाज में खुशहाली बनी रहेगी। हमें कालिया को जल्द ही बचाना होगा।
मैं तो तुम्हारा खास मेहमान हूँ, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? भीम बचाओ! हुआ है ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? तुम क्या चाहते हो हमसे? अरे मेरे बाल पंख बन गए, चोंच भी। भीम कौवा आपकी खिदमत में हाजिर है काव काव राजा। गोरिल्ला
इसे भी खेलने ले चलते हैं। इसकी सारी हरकतें कालिया जैसी क्यों लग रही हैं? अब इन्हें दिखाता हूँ कि कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। एक, दो, तीन, कूदो। वाह, ये तो तेजी से बढ़ रही है। कालिया के बिना मजा नहीं आ रहा ना। चलो हम कालिया को ले आते हैं। दोस्तों, हम कालिया को ढूंढ लाते हैं। कालिया, कालिया। अरे भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैंने ये जादुई केला बनाया, इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा, वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। चुटकी, तुम बंदर को लड्डू का लालच देकर कालिया के घर तक ले जाओ। चलो अब थोड़ी कसरत भी कर लेते हैं। लड्डू, इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? मैं लौट आया। तो हो जाए मुकाबला, सब तैयार। जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट। ठीक है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। बस अब और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। और होते तो मजा आ जाता।